हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जॉन से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना जिसको आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है जो कि फुल स्क्रीन में था जिसमें कुछ नए टाइप के पार्टिकल्स थे। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का पार्टिकल्स वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों और पूरा देखना, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर देना जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए और सबसे पहले हम लोग एवी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास एवी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं यूज करता हूं प्रो वर्जन इसी का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ओपन करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था जिनका नाम है अमित अतुगड़े, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। वो मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे यार कुछ नए टाइप का स्टेटस यहाँ पर लाओ, कुछ नए टाइप का ट्यूटोरियल लाओ, तो मैंने उन्हीं के कहने पे कुछ इस तरह का स्टेटस ट्यूटोरियल लाया, ठीक है। तो शायद आपको पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे एवी प्लेयर एप्लीकेशन को, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। तो ऊपर में राइट साइड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, जो बॉक्स जैसे आइकन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है लोड फ्रॉम फाइल पर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर से आपको एक विजुअलाइजर को ऐड कर लेना है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इस विजुअलाइजर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाके इसको रीनेम करके वहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तभी ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एवी प्लेयर ऐप है दोस्तों न्यू वर्जन है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके विजुअलाइजर का नाम चेंज करके वहाँ पे एक बार सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस विजुअलाइजर को हम लोग कर लेते हैं ऐड। विजुअलाइजर को ऐड करने के बाद ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लास्ट वाले बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद ऊपर में आपको एक पेंसिल जैसे आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल जैसा, तो आपको इस पेंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको थर्ड नंबर पे मोशन ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे आपको इस मोशन ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ मोशन ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जनरल पे क्लिक करेंगे और ये जो विजुअल वाला बॉक्स है इसको आपको एनेबल कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको क्लोज करके बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करने के बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमेज का, और उसके नीचे रहेगा ब्लर इफेक्ट का, ठीक है। तो आपको इस ब्लर इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद जनरल पर क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से इसको भी टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करने के बाद इसको बैक करेंगे, उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोशन ब्लर इफेक्ट का, ठीक है। इस मोशन ब्लर इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जनरल पे क्लिक करना है और इस वाले को एनेबल कर देना है, ठीक है। इसको विजिबल कर देंगे और यहाँ से बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करने के बाद उसी के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमेज मोड टेक्स्ट का, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरेटेड अल्बम आर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये जो थर्ड नंबर पे टिक है इसको आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। इसको डिसेबल करके यहाँ से क्लोज करके बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चैनल नेम का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट चैनल नेम, आपको इस पर क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है, फिर से मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है आपको, और मेरे चैनल का नाम रिमूव करके आप अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डन करके इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आना है, तो वहाँ पे कंपोजिशन वन के नीचे एक इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस इमेज पे क्लिक करना, और इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद कस्टम इमेज पे क्लिक करना, इधर सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक इमेज का, आपको इस पर क्लिक करके एक इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इस इमेज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपोजिशन टू, ठीक है। कंपोजिशन टू के नीचे में लिखा रहेगा इमेज, जिस पे छोटा करके लिखा रहेगा योर इमेज टू, ठीक है। तो आपको इस इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे फिर से हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे, कस्टम इमेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पिक इमेज पे क्लिक करके फिर से हमको उसी इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करके आपको बैक कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको बैक करके होम स्क्रीन पर आ जाना है। इधर आने के बाद इधर आपको लेफ्ट साइड में थ्री डॉट मिल जाएगा, ऊपर की साइड में आपको इस पर क्लिक करना है थ्री डॉट पे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और इधर से एक सॉन्ग को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ और इस सॉन्ग का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इस वाले सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सॉन्ग को ऐड करने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद विजुअलाइजर पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर आपको राइट साइड में एक एरो का निशान मिल जाएगा जो कि तीर का छोटा सा रहेगा, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो विड्थ का और वीडियो हाइट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आपको इस वीडियो विड्थ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आपको लिख देना है यहाँ पे 1000 से। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आपको लिख देना है 1920। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आपका वीडियो फुल स्क्रीन में सेव होगा। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में सेव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखने के बाद इधर आपको नीचे में लेफ्ट साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं यार इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।